आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन के आ रहा है और यह विश्व के मौतों कुल मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना है। भारत देश में 12.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। सन 2020 तक 19 लाख लोग कैंसर से इन्फेक्ट हो चुके हैं और या कहीं कैंसर के शिकार हो चुके हैं। 8 लाख मौतें कैंसर से हो रही हैं। हर 2 में से 1 महिला जिसको कैंसर है उसकी डेथ हो रही है, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स। मैं इसी सोच से, मैं इसी आंकड़ों को देख के आपके सामने ये वीडियो लाया हूं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का विषय गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि आपने जिस आइकन को देखकर इस वीडियो को क्लिक करा होगा, लिंक को क्लिक करा होगा देखने के लिए, तो जाहिर सी बात आपका कोई परिजन परेशान होगा। ये वीडियो साथियों उसी उम्मीद को देने के लिए है। हो सकता है इस वीडियो में जो दवाएं बताई गई हैं वो आपके मर्ज को बिल्कुल ठीक ना कर पाए। अगर इनिशियल स्टेज में कैंसर है तो यहाँ दवाएं ठीक करने में भी समर्थ हैं, और अगर इनिशियल स्टेज पार कर गया है, कैंसर फाइनल स्टेज में है, तब भी यह दवाएं पैलिएशन के तौर पे आपके मरीज को राहत देने में समर्थ हैं। एक बात पक्की है, होम्योपैथी का लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इन दवाओं से आप अपने मरीज को आराम दे सकते हैं, अपने परिजन को आराम दे सकते हैं, उनकी परेशानियों को कम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, और मैं आपसे अपील करूंगा, मैं कभी किसी वीडियो में नहीं करता शुरू में, मैं अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर करें, समाज के लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की, इन दवाओं की जानकारी की आवश्यकता है। कैंसर एक ऐसी समस्या है भारतवर्ष में जो 12.5% रेट के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, यानी कैंसर की ग्रोथ का रेट 12.5% है। हर 8 मिनट में एक व्यक्ति की कैंसर से मौत हो रही है। 8.5 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है। हर ब्रेस्ट कैंसर के होने वाली 2 महिलाओं में से 1 महिला की मौत हो रही है, तो बहुत बड़ी समस्या है साथियों ये। आज आप रतन टाटा अस्पताल चले जाओ मुंबई में, आप कहीं भी चले जाओ, राजीव गांधी चले जाओ दिल्ली में, आपको जल्दी सीट नहीं मिलेंगी, इतने तेजी से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। तो साथियों उस वक्त में यह वीडियो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने फैसला करा है आपको इस समस्या में कुछ ऐसी दवाएं बताने का कि जो आपको आराम दें, आपको रिलीफ दें। सन 2020 तक लगभग 19 लाख कैंसर के मरीज हो चुके हैं। 7.5 लाख मरीज प्रतिवर्ष के हिसाब से कैंसर के बढ़ रहे हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर साथियों आपकी बीमारी की वह स्टेट होती है आपके शरीर की, जब किसी मरीज के कोशिकाएं यानी सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगते हैं, और वह जो डिवाइडेड सेल्स होते हैं वह आपके बॉडी के अन्य पार्ट्स में थ्रू लिम्फ और थ्रू ब्लड ट्रांसमिट होके बॉडी के अन्य पार्ट्स के सेल को भी इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं।
वहाँ ही कैंसर सेल्स होते हैं। कैंसर साथियों विश्व में दूसरा सबसे बड़ी मौत का कारण होता है। बात कर लेते हैं सिम्टम्स की साथियों। सिम्टम्स कैंसर के हर मर्ज के अलग अलग होते हैं। वेट का लॉस होना, गले का खराब रहना, खाने का डाइजेशन ना होना, ब्लड की कमी होना, फीवरिश बने रहना, इस तरह तमाम जितने मर्ज होते हैं उतने उसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन साथियों सिम्टम्स का मैनिफेस्टेशन कैंसर में होता अवश्य है। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। कैंसर का साथियों कारण यह होता है कि जब आपके जो सेल्स होते हैं उसमें जीन्स होती हैं और जीन्स में डीएनए होता है। इन जीन्स में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उस विशिष्ट कोशिका को आपके बॉडी में अपने जीवांतर में अपने जीवन में कैसे बिहेव करना है, कब डिवाइड करना है, कब ग्रो करना है, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस डीएनए की चेन के फॉर्म में आपके जीन्स में होते हैं। जब इन जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है और या इंस्ट्रक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं वही आपकी कोशिका के कैंसर का इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है। नॉर्मली यह तीन तरह से शुरू होता है। पहला होता है जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी की हर कोशिका को पता होता है कि कब उसे डिवाइड होना है। जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, इसके डीएनए की चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे सेल को बॉडी के यहाँ नहीं पता रहता कि उसे कब डिवाइड होते हैं और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता रहता है। तो यह एक कारण होता है कैंसर का। दूसरी स्थिति वो आती है जिसमें डीएनए रिपेयर जीन्स होती हैं। जब कहीं पे आपका डीएनए डैमेज होता है तो वो डीएनए रिपेयर जीन्स उसको रिपेयर करती हैं। कभी कभी यह होता है कि यह जो रिपेयर करने की डीएनए की जीन्स पे जो इंफॉर्मेशन होती है यह डिस्टर्ब हो जाती है और जो डैमेज जीन होती वह रिपेयर नहीं हो पाती और दूसरी अगली जीन अगले सेल की डिस्टर्ब हो जाती है। यह एक बात होती है आपके डीएनए को डिस्टर्ब करने की और कैंसर को कॉज करने की। तीसरी स्थिति वह आती है कि हर सेल को पता होता है कि उसे कितने वक्त जीवन है उसका, उसके बाद वह सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी कभी आपके जीन में म्यूटेशन हो जाता है किसी मरीज की और वह सेल अपने जीवन से जीवन काल के बाद एबनॉर्मली डिवाइड करने लगता है। वह ये भूल जाता है कि उसकी अब जीवन खत्म हो गया। तो एक कारण यह होता है आपके कैंसर के शुरू होने का। इस प्रकार से यह तीन कारण होते हैं जो आपको कैंसर की शुरुआत होते हैं। इस प्रकार से साथियों यह तीन तरह की डाइवर्जेंस होती हैं। पहली केस की जो हमने आपको बताई प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, दूसरे जो हमने आपको रीज़न बताया उसको डीएनए रिपेयर जीन्स कहते हैं और तीसरा जो हमने बताया इम्यून सप्रेसर जीन्स कहते हैं। इस तरह तीन ड्राइवर होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। कैंसर साथियों कई प्रकार का होता है जिसमें कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इस तरह तमाम तरह के कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा साथियों जो कैंसर होता है वह भी कई प्रकार का होता है, चाहे वो एडिनो कार्सिनोमा हो, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो, एपिथेलियल कार्सिनोमा हो। एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा साथियों जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे बॉडी की, एपिथेलियल सेल्स की होती है, उसमें जब सेल डिवीजन उसके आउटर पार्ट में या लोअर इनर लेयर में एपिथेलियल सेल के अगर डिवीजन डिस्टर्ब होता है तो उसको एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स के नीचे स्क्वैमस सेल्स होते हैं, जब स्क्वैमस सेल्स का डिवीजन डिस्टर्ब होता है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर या उस तरह के ऑर्गेन्स को जो टिश्यू आउटलाइन करता है कार्सिनोमा,
एपिथेलियल सेल्स जो आउटलाइन करते हैं जिनके चेंज ऑफ साइज होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इस तरह के जो टिश्यू होते हैं इनमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, ब्लड टिश्यू में जब दिक्कत आती है, एबनॉर्मल डिवीजन होता है, तो उसको ब्लड सेल कार्सिनोमा यानी ल्यूकीमिया कहा जाता है। सार्कोमा साथियों, जब आपके बोन में, बोन मैरो में या किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में कैंसरस इन्फेक्शन होता है तो उसको सार्कोमा कहते हैं। इसके अलावा मिलेनोमा होता है जो कि स्किन सेल कैंसर कहलाता है। जब आपका मिलेटोनिन पिगमेंट या मिलेनोमा मिलानिन बनाने वाली लेयर आपकी स्किन की कैंसरस होती है तो उसको मिलेनोमा कहते हैं। और इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं। समस्या गंभीर है साथियों, यह वीडियो बनाते वक्त हमको भी थोड़ा सा कष्ट हो रहा है बोलने में। लोगों के जो मरीज़ हमारे सामने आते हैं उनके चेहरे याद आ जाते हैं, उनके परिजनों याद आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियो हमारे लिए बना पाना कठिन है। लेकिन मैं फिर भी समाज के हित में प्रयास करूँगा कि जिन भी साथियों के परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी इस तरह की बीमारी है, उनको होम्योपैथी के माध्यम से जो आराम दिया जा सकता है वह दिया जाए। और साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर समस्या होती है तो समाधान भी होता है। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको विभिन्न प्रकार के कैंसर्स में लाभ देंगी। लेकिन साथियों, दवाएं बताने से पहले यह आपको अवश्य बता दें कि यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि मर्ज गंभीर है और उसके इलाज में भी वही गंभीरता होनी चाहिए। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं। साथियों, माउथ का कैंसर एक गंभीर विषय है और यह बहुत कॉमन रूप का कैंसर है जो आजकल पाया जाता है। मरीज़ के माउथ में कैंसर हो जाता है और वह तमाम थेरेपीज और सर्जरीज में आ जाता है। हमारे क्लिनिक पे जब पेशेंट आता है साथियों, तो हम समझते हैं और इसका रिजल्ट भी आया है कि हम लोग मरीज़ का ट्रीटमेंट स्कायरिनम नाम की दवा से शुरू करते हैं। सबसे पहले मरीज़ के आने पर हम स्कायरिनम 1000 पावर यानी 1 mg पावर की एक खुराक मरीज़ को देते हैं। उसके 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स, हम लोग मरीज़ को बुलाते हैं और उस वक्त उसको सुराइनम 200 की एक खुराक देते हैं। सुराइनम 200 की खुराक के 12 घंटे बाद हम लोग मेडोराइनम 200 की एक डोज पेशेंट को देते हैं जिसको कि माउथ कैंसर होता है। उसके मेडोरिनम 200 के 12 घंटे बाद हम लोग ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक मरीज़ को देते हैं और उसके 48 आवर्स के बाद सिम्टम वाइज हम लोग मरीज़ का माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक साथियों इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है माउथ कैंसर के पेशेंट में कि उनके सलाइवा में ब्लड आता है। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों कि सलाइवा में ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं माउथ कैंसर के, बक्कल कैविटी के कैंसर के, जिनको कि सलाइवा में ब्लड आता है, उनके मुंह में मेटालिक टाइप टेस्ट रहता है, बार बार उनको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और रात के 12 बजे से 2 बजे तक मरीज़ के सिम्टम्स वर्स होते हैं। अगर यह सिम्टम्स है तो आर्सेनिक एल्बम माउथ कैंसर के केस में, बक्कल अपर बक्कल कैविटी के केस में एक ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक सिम्टम साथियों आता है कि मरीज़ को कैंसर हो गया हो माउथ का और वह बोल भी ना पा रहा हो, इतना पेनफुल हो रहा उसको बोलना। अगर यह स्थिति हो कि मरीज़ बोल भी ना पा रहा हो, उसको टंग का कैंसर हो, माउथ का कैंसर हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैकुलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दे सकते हैं।
ऐसे मरीज को फ़ायदा मिलेगा कोनियम मैक से और उनका माउथ भी ठीक होगा। एक सिम्टम साथियों आता है कि किसी को माउथ कैंसर हुआ हो और उनको सलाइवा बहुत बनने लगा हो, तो अगर सलाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा है और माउथ कैंसर है और जो सलाइवा है वो बहुत ऑफेंसिव ऑडर का है, बदबूदार है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस। मर्क सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनको कि बहुत सलाइवा बनता हो मुँह में और उनको बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर उस सलाइवा से आता हो, तो मर्क सॉल ऐसे पेशेंट की टक ऑफ द चॉइस हो सकती है। मर्क सॉल के पेशेंट को लूज स्टूल की भी हिस्ट्री देखने में आपको आएगी। एक सिम्टम साथियों माउथ कैंसर के पेशेंट में आता है कि किसी को माउथ कैंसर हो और उनके चीक्स और लिप्स से डिस्चार्जेस आ रहे हों, क्रैक्स हो गए हों और उनसे डिस्चार्जेस निकल रहे हों, तो अगर यह सिम्टम हो कि मरीज के टंग और लिप्स से क्रैक्स आ रहे हों, डिस्चार्जेस आ रहे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बोलिक एसिड। आप कार्बोलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर मरीज को दे सकते हैं जिसको माउथ में क्रैक्स हो, लिप्स में क्रैक्स हो, चीक्स में क्रैक्स हो और उनसे ऑफेंसिव ऑर्डर के डिस्चार्जेस हो रहे हों, उस केस में कार्बोलिक एसिड मरीज के इन सिम्टम्स को ठीक करेगी और संभावित तौर पे माउथ कैंसर के पेशेंट को ठीक करेगी। एक सिम्टम साथियों आता है माउथ कैंसर के मरीज में कि जो उसके होंठ के किनारे होते हैं वो कट जाते हैं, तो अगर आपको माउथ के साइड में लिप्स में क्रैक्स मिलते हों और मरीज को माउथ कैंसर हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉन्डिरेंगो। आप कॉन्डिरेंगो का मदर टिंचर 10 बूंद 4 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं, इससे उसका मुंह भी सही होगा, उनके क्रैक्स भी ख़त्म होंगे और माउथ कैंसर को भी ठीक करने में हेल्प मिलेगी। माउथ कैंसर के पेशेंट में साथियों एक सिम्टम आता है कि शाम के वक़्त मरीज की जुबान में जलन होने लगी, बर्निंग सेंसेशन टंग में होने लगा, तो अगर यह सिम्टम हो कि मरीज के शाम के वक्त बर्निंग सेंसेशन टंग में होने लगे, उसको पेन होने लगे, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमेन। आप ऐसे मरीज को एल्यूमेन 30 पावर में 2-2 बूंद में 3 बार दे सकते हैं जिनको कि जुबान में टंग में चलन होने लगती हो और पेन होने लगता हो शाम के वक्त। एक साथियों सिम्टम आता है कि किसी भी व्यक्ति को माउथ कैंसर हो और उनकी टंग में क्रैक्स आ गए हों, तो अगर यह स्थिति हो किसी को माउथ कैंसर हो और उनकी जुबान यानी टंग में क्रैक्स आ गए हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं जिनको कि प्यास बिल्कुल ना लगती हो, बिल्कुल भी प्यास ना लगती हो और उनके टंग में क्रैक्स हो। माउथ कैंसर के इस सिम्टम के मेल खाने पर एपिस मेलिफिका आपकी मदद करेगी, पेशेंट की मदद करेगी और उनको कैंसर को क्योर करने में भी हेल्प करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके इष्टजन, परिजन, किसी मित्र या समाज के किसी भी व्यक्ति को राहत देने की एक श्रृंखला की। हो सकता है यह दवाएं 100% सही ना कर पाएं अगर फाइनल स्टेज में कैंसर पहुंच गया है, लेकिन ये दवाएं आपके मरीज को राहत जरूर देंगी, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा फर्ज यह है साथियों होम्योपैथी में जो कुछ अवेलेबल है वो आपके सामने रखते, निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को तभी क्लिक करा होगा जब आपके किसी जानने वाले में यह समस्या होगी और यही मेरा प्रयास है और इसीलिए मैं यह वीडियो आपके सामने लाया हूं कि होम्योपैथी के दायरे को एटलीस्ट आपके सामने रख दूं। दवाएं साथियों निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दवाएं हमेशा कुशल चिकित्सक से सलाह से उससे प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब दे सकूं। निवेदन करूंगा साथियों कि यह समाज हित का वीडियो है,
जिस मर्ज से 9 लाख लोगों की मौतें हो रही हों, वह वीडियो कम इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। और कैंसर ऐसी बीमारी जिससे 9 लाख मौतें हो रही हैं, 19 लाख लोग कैंसर से 2020 तक ग्रसित हो चुके हैं और 7.5 लाख लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं हर साल, और 12.5% ग्रोथ रेट पर यह बीमारी बढ़ रही है। तो इन चीज़ों के अगर आपको मेरी संदेश आपके जहन तक पहुंच रहा हो तो अपने वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य परिजनों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक आपकी किसी इष्टजन, परिजन, जानने वाले को जिसको यह समस्या हुई है उस दुख में आपके साथ खड़ा है। आप हमारे साथ रहे इतनी देर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मरीज की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक करता है। होम्योपैथी में जो कुछ भी था वह मैंने आपके सामने रख दिया। धन्यवाद।